बल्कि पूरे भारत में दो ऐसे शहर हैं जिनका एक अपना मिजाज है, मतलब वहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, ना कानपुर में और ना बनारस में। बनारस में मैं खुद BHU से पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने देखा, और दादाजी मेरे कानपुर रहते थे, तो देखा कि यहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, अगर बैठा है तो घंटों बैठा है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो आराम मतलब प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो मस्ती मिजाज के ऐसे शहर में आप पले बढ़े कानपुर में, जैसे पिता को अपने बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पता हो। लोग कहते जरूर हैं कि माँ ज्यादा जानती है, क्योंकि उसने 9 महीने गर्भ में रखा होता है, तो वो पिता से 9 महीने ज्यादा अपने बच्चे को जानती है। लेकिन मेरा ये मानना है, शायद आप इससे जुड़ाव रखें या न रखें, मेरा ये मानना है कि पिता सबसे ज्यादा अपने बच्चे को जानता है। उसका कारण ये है कि जैसे आप एक्सपीरियंस करके बताएंगे, पिता को ये पता होता है, टीचर से भी ज़्यादा ये पता होता है कि इस बच्चे की काबिलियत क्या है। हमारे मित्र हिमांशु जी हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक बात आई कि एक बच्चे का 7 नंबर 12 नंबर साइंस पढ़ने में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 7, 8, 12, 15 इस तरह के नंबर, इसके बाद भी उनके जो अभिभावक हैं वो कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि उसके कॉमर्स में अच्छे नंबर। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल। यहाँ आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो युवा हैं, युवा होने के साथ साथ जिनको अनुभव भी है, और करंट सिनारियो में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास कैसे हो, इस पर आप जो है बहुत पैनी नज़र रखते हैं, और इसलिए रखते हैं क्योंकि आप सीनियर IAS अधिकारी हैं 2010 बैच के, और वर्तमान में UPRRDA के CEO यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं। अखंड प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube पर। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो आप काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बड़ी मेहनत से आप यहाँ पहुँचे हैं, IAS अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर आप पढ़ाई भी खूब किए होंगे, 14 घंटे 15 घंटे कभी कभी 16 घंटे, लेकिन बचपन आपका कैसा बीता, शुरुआत कैसे हुई जीवन की? देखिए आलोक जी, मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर एक स्थित जनपद है गाजीपुर, वहाँ हुआ। चूँकि मेरे पिता जो हैं राम गंगा कमान प्रोजेक्ट में नौकरी करते थे कानपुर में, तो बचपन तो जैसे 3 या 4 साल जो है वो गांव में बीता। उसके पश्चात पिताजी जो है शिक्षा दीक्षा के लिए मुझे कानपुर लेके आ गए, तो कानपुर में उन्होंने मेरा एडमिशन जब कराया, तो इनिशियली आपको मुझे बताते हुए अत्यंत एक तरह से बताएं गर्व भी महसूस होता है कि मेरे पिता मुझे अकेले लेके आए थे। मैं 5 साल का बच्चा था, मेरी माँ और जो हम लोग 4 भाई बहन हैं वो लोग गाँव में ही थे, कि धीरे धीरे एक एक करके वो हम सारे भाइयों को लाते गए। मैं 1987 में कानपुर आया था एजुकेशन के लिए। अच्छा, बड़े आप हैं, सबसे बड़ा हूँ। फिर उसके बाद 1992 में जब मेरी सिस्टर और सबसे छोटा वाला भाई जब एजुकेशन के लिए कानपुर आए, तब पिताजी मेरी माँ को भी लेके आए थे। तो हम लोग की जो शिक्षा दीक्षा है वो इनिशियली कानपुर में ही हुई, और चूँकि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरे पिता जो थे रामगंगा कमांड में, जो कि 2013 में रिटायर हुए, तो वो क्लर्क की पोस्ट पर थे। लेकिन उन्होंने हमेशा एक स्वप्न ले के रखे कि अपने बच्चों को अपनी रैंक से ऊपर मैं पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, और उन्होंने, आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष भी होता है, कि उन्होंने कभी भी हम लोगों को Group 3 और Group 4 के एग्ज़ाम के पेपर तक नहीं भरने दिए। आजकल तो PhD किए हुए लोग प्यून तक का 4th क्लास का भी फॉर्म भर देते हैं। जी आलोक जी, उन्होंने कभी नहीं भरने दिया। मैंने एक बार अपने दोस्तों के प्रेशर में BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उनको जब पता चला कहते हैं तुमने कब भर दिया, मतलब उनकी ये सोच थी कि या तो Class 2 या Class 1 की नौकरी ही मेरे बच्चे करें, क्योंकि Class 3 तक तो मैं स्वयं पहुंच चुका हूं। तो जब उन्होंने ये हम लोगों को टारगेट दिया शुरू से, तो मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा, मैं IAS ऑफिसर Class 1, मुझसे जो छोटा भाई है वो BHU में प्रोफेसर है Class 1 वो भी है, तीसरा भाई जो है BSNL में सीनियर टेलीकॉम मैनेजर है उसका भी रैंक Class 1 है, और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है एक डिग्री कॉलेज में, वो भी Class 1 है। तो मेरे पिता ने जो सपना देखा कि मैं जिस रैंक पर पहुँचा हूँ उससे मेरे बच्चे ऊपर उठें, तो उन्होंने बड़े परिश्रम से हम लोगों को पढ़ा लिखा के उस उद्देश्य तक पहुँचा दिया।
अच्छा, आपने कहा कि चूंकि आप 5 साल के ही थे, छोटे थे काफ़ी, और पिताजी आपको कानपुर ले आए, और कानपुर का एक अपना मिजाज है, जैसे बनारस का एक अपना मिजाज है, जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दो शहर ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में दो ऐसे शहर हैं जिनका एक अपना मिजाज है। सही। मतलब वहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, ना कानपुर में और ना बनारस में। बनारस में मैं खुद BHU से पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने देखा, और दादाजी मेरे कानपुर रहते थे, तो देखा कि यहाँ किसी को कोई जल्दी नहीं है, अगर बैठा है तो घंटों बैठा है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो आराम, मतलब प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो मस्ती मिजाज के ऐसे शहर में आप पले बढ़े कानपुर में, ये आप हमें बताइए कि पिताजी जब आपको लेकर के आए तो खाना कौन बनाता था? पिताजी ही जाहिर सी बात है बनाते थे। पिताजी बनाते थे। तो जब पहली बार आपका कैसे एंट्री होता है खाना बनाने वाले, यानी किचन में कैसे एंट्री होती है पहली बार? नहीं नहीं, मैंने देखिए, मैंने नहीं खाना बनाया। मैंने खाना जब पहली बार बनाया तो अपने माँ के संग, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते थे, त्यौहार रहता था तो त्यौहार में जैसे घर में गुजिया या दीपावली की मिठाइयाँ जब बनती थी, चूँकि मैं सबसे बड़ा था, बहन सबसे छोटी थी, तो मदर मुझे हेल्प के लिए लगा लेती थी, तो उसमें मैंने बनाना सीखा और कई चीज़ें बनानी सीखी। मैं आपको बता सकता हूँ कि कई चीज़ें मुझे अच्छी बनानी आती भी हैं। अच्छा सर, चूँकि मैं सबसे अपने घर में छोटा हूँ, तो सबसे छोटा वाला क्या अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो मैं जानता हूँ, और क्या ख़राब एक्सपीरियंस है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन बड़ा भाई होने का, चूँकि मेरे भैया हैं मुझसे बड़े, एक चीज़ मैं अनुभव करता हूँ, शायद आप भी अनुभव, जिनके घर में भी बड़े भाई होंगे, बड़े भाई की जिम्मेदारी वो एकदम बिल्कुल पिता जैसी होती है। बिल्कुल। उसको ये भी देखना होता है कि हमारा भाई अच्छे से कपड़ा पहन के गया, कई बार वो अपनी सेक्रीफाइस भी करता है, नौकरी पाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो इस तरह का कुछ सेक्रीफाइस याद है कुछ थोड़ा बहुत? वैसे तो आप बताएंगे नहीं, चूंकि बड़ा भाई अक्सर अपने गमों को बताता नहीं है। नहीं, बात सेक्रीफाइस की नहीं है, हम लोग के पिता ने हम लोगों को बड़े समरसता से पाला, चूँकि मैंने आपको बताया कि एक एक करके पिताजी हम लोगों को लेके आए थे शहर में, तो जस्ट मेरे बाद वाले भाई को जब लेके आए थे, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो जब पापा दफ्तर चले जाते थे तो हम लोग स्कूल स्वयं तैयार होके जाते थे, तो मैं उसको तैयार किया करता था और साथ लेके जाता था। यही रहा है, बहुत चीज़ें तो नहीं रही, क्योंकि आज के परिवेश में बीइंग अ DM किसी डिस्ट्रिक्ट में, आप जब DM रहे होंगे, CDO रहे होंगे, या जब भी आप लोगों से पब्लिक मीटिंग में मिलते हैं, कई बार आपके सामने इस तरह के मामले ज़रूर आते होंगे कि भाई भाई लड़ रहा है, भाई भाई में क्लैश है, जो सबसे जो है तगड़ा दुश्मन होता है कई बार वो भाई ही होता है। ऐसे में हम ये अपने बच्चों को भी और तमाम जो लोग ये YouTube चैनल देखेंगे उनको भी हम ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ताकि आप जब बताएं तो लोगों को ये जानकारी हो कि भाई भाई कैसे रहते हैं और कैसे उनको रहना चाहिए। अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकें तो प्लीज़ बताइए। भाई भाई तो रहने चाहिए, राम और लक्ष्मण जी के उदाहरण पर आइए, दुनिया में उससे बेहतरीन उदाहरण किसी ने नहीं सेट किया, कि वो तो सगे भाई भी नहीं थे दोनों, दो अलग अलग माताओं एक पिता की संतान होते हुए भी उन लोगों के चारों भाइयों के अंदर जो प्रेम था। अब मुझे तो कई बार जब कथाएं भी हैं, चूँकि मैं स्कूल में जो पढ़ता था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की पृष्ठभूमि का स्कूल रहा, तो हम लोग के स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा का जो दायित्व होता था, तो हमारे जो पुराण हैं और ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत है या रामायण है, इन्हीं से उद्धरण निकाल के आदमी की नैतिकता को डेवलप किया जाता था। तो जब कभी भी कोई चीज़ कही जाती थी किसी भाइयों के बीच में रिश्ता कैसा हो, तो वो रिश्ता जो कि राम लक्ष्मण जी में था, जो राम जी भरत जी में था, और जो भरत जी और शत्रुघ्न जी में था, तो उससे जो है डेरिवेशन निकल के आता है कि आदमी का जो जीवन है ना, हमारे यहाँ जैसे कर्तव्यों को जो है सर्वोपरि रखा गया, कि कभी भी ये नहीं कहा गया कि अधिकार की अनावश्यक जो है या चेष्टा की जाए, कहा गया कि अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हो तो मान के चलिए कि हर किसी का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा। तो उससे उदाहरण लेते हुए भी हम तीनों भाई बहन सब पढ़े, एक दूसरे की समस्याएं हम लोग सॉल्व करते थे, मैंने तो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता भी था। और सबसे अच्छा पढ़ाते थे तो कभी कभी पीटना भी पड़ता रहा? हाँ, पीटा भी है। और उसके बाद हाल ये रहा है कि उनको मैं टारगेट देता था, हम लोग के पिताजी हम लोग को जैसे टारगेट देते थे क्लास में क्या रैंक रहेगी, जैसे सिस्टर सबसे दुलारी थी तो उसके लिए कहा जाता था तुम्हारी रैंक होनी चाहिए top 10 में, फिर उसके बाद जैसे तीसरे नंबर वाला भाई था उसका कहा जाता था top 5 में, और उसके बाद जो दूसरा वाला भाई था उसके लिए कहा जाता है top 3, और मेरे लिए पिताजी कहते सिर्फ एक रैंक।
फर्स्ट और कोई रैंक नहीं। मैं कहता था ये जाति क्यों, तब कहते थे मुझे यकीन है ना कि किसकी क्या काबिलियत है, तो मैं काबिलियत के हिसाब से सबको टारगेट देता हूँ। तो जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, अब इस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पिता को अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता हो, लोग कहते ज़रूर हैं कि माँ ज़्यादा जानती है क्योंकि उसने 9 महीने गर्भ में रखा होता है, तो वो पिता से 9 महीने ज़्यादा अपने बच्चे को जानती है। लेकिन मेरा ये मानना है, शायद आप इससे जुड़ाव रखें या ना रखें, मेरा ये मानना है कि पिता सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को जानता है। उसका कारण ये है कि जैसे आप एक्सपीरियंस करके बताएंगे, पिता को ये पता होता है, टीचर से भी ज़्यादा ये पता होता है कि इस बच्चे की काबिलियत क्या है। और आज के समाज में ये जो स्थिति बन गई है कि बच्चे को कई बार उसकी रुचि के अनुसार टारगेट नहीं मिलता है, कई बार जैसे चूंकि आप पढ़ने में ठीक थे तो आपको पढ़ने का टारगेट मिला, पिताजी ने दिया, या नंबर वन रैंक लाने का। लेकिन आजकल कई बच्चे स्पोर्ट्स में, बिजनेस में या कई और चीज़ों में जाना चाहते हैं। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं और आप प्लीज़ बताएं कि गार्जियन को किस तरह का बिहेव अपने बच्चों के साथ आज के दौर में करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि पहले का समाज थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, माता पिता के पास ऑप्शन नहीं होते थे, तो आदमी को अपने आगे बढ़ने का जरिया जो दिखता था वो शिक्षा दिखती थी। लेकिन आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बच्चों का जो टैलेंट है वो मल्टीपल फील्ड में निकल के आ रहा है। अब जैसे हमारी क्रिकेट टीम में अगर आप देखेंगे तो जो 90 से पहले का डिकेट था तो क्रिकेट वही खेलता था जो ऑलरेडी एलीट क्लास का होता था जी। क्योंकि उसके अंदर लिवलीहुड को सिक्योर करने की टेंशन नहीं हुआ करती थी। उसके अंदर एक बात ये थी कि चूंकि हमारी लिवलीहुड सिक्योर्ड है तो वो उसकी अपनी पसंद मान के खेलता था। बाद में धीरे धीरे जब ट्रेंड बदला तो कुछ जीवट तरीके के लोग जैसे सचिन तेंदुलकर के रूप में है निकल के सामने आए। लेकिन वर्तमान में जब से IPL का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब दुनिया ज़्यादा अब फोकस्ड हो गई और ज़्यादा ओपन हो गई, तो हम तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी देख रहे हैं कि जिनके माता पिता बहुत डिसिमल बैकग्राउंड से हैं लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह है, यशस्वी जायसवाल है। तो माँ बाप से मेरा एक, अभी एक रिसेंटली लड़का आया है उसमें मैं ऐड करूंगा जो U19 टीम का कैप्टन हुआ है, मोहम्मद ओमान, अमान, मोहम्मद अमान, हाँ, वो U19 टीम का कैप्टन है। और कोविड में उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर उनके मदर की भी डेथ हो गई, और वो U19 टीम का कैप्टन है, बहुत गरीब लड़का है। देखिए, परसेप्शन बदल रहा है, तो माँ बाप को ये देखना है कि किस जगह सबसे बेहतरीन टैलेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति रही है जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हमारे बच्चों का एडमिशन होता था 6th स्टैंडर्ड में, और ये जान के आदमी को आश्चर्य होगा कि 6 साल से लेके 16 साल तक उन बच्चों को बहुत बेसिक नॉलेज सिखाई जाती थी, और ख़ासकर उन एक्टिविटियों में इन्वॉल्व किया जाता था जिससे उनका शरीर और दिमाग का विकास हो। क्योंकि 16 साल तक जो आपका ब्रेन एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है वो 95% तक होता है जी। फिर 16 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक उन गुरु ने उनको 10 वर्ष देखा कि इसकी प्रवृत्ति किशोर है, उसी प्रवृत्ति की अगले 9 साल में शिक्षा देके उसको महापंडित बना के हम निकालते थे। तो जाहिर सी बात है ईश्वर किसी को भी प्रतिभाहीन पैदा करता ही नहीं। और यहाँ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि महापंडित का मतलब ये ना समझ ले कि वो कथा पूजा कराता था, महापंडित मतलब विद्वान, विद्वान बोला जाता है। तो जैसे एक बात आपको हम बताएं तो उसमें जब निकाला जाता था तो 25 वर्ष पर वो ज्ञानी हमारे यहाँ से निकलते थे। तो मतलब हर एक के अंदर वो प्रतिभा है, बशर्ते उस प्रतिभा को उस राइट डायरेक्शन में क्लिक करने की आवश्यकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं सिंपल दूँ आधुनिक युग का, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनके फादर प्रोफेसर थे। अगर उन्होंने सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन पर दिया होता जोर कि नहीं तू पढ़ पढ़ पढ़, तो हमको एक महान बल्लेबाज नहीं मिलता। उनके भाई ने उनके अंदर के इस गुण को पहचाना कि इसके अंदर वो जीवटता है कि जिससे ये पर्टिकुलर फील्ड में महान बन जाएगा, तो हमको क्रिकेट का भगवान मिला। तो जाहिर सी बात है माँ बाप को अपना जो है परिदृश्य बदलने की आवश्यकता है। हर फील्ड में गुणता की और श्रेष्ठता की और ऊँचाई की जगह है, हम पहुँच सकते हैं। ये जो आंशिक मारपीट ताकि बच्चे को एक सही डायरेक्शन मिल सके, एक भाव डर के साथ डिसिप्लिन कहा सके, वो क्यों खत्म होता जा रहा है और इतनी रूढ़िवादिता क्यों आ गई है, आपको क्या लगता है? इसका भी जवाब अगर देखा जाए तो हमारी प्राचीन संस्कृति में इसका भी जवाब है। 3 तरह के ऋण कहे गए जी, पितृण, मातृण और गुरु का ऋण। ये तीनों जब बोले गए कि इन तीनों से ऋण होना पड़ेगा, तो आप कभी गौर करिएगा किसी को उत्तरदायित्व दीजिए तो उसके पर छोड़ दीजिए,
तो वो बंदा भाव लेगा स्वत्व का कि ये मेरा है, तो उसको निखारेगा। और आप उसको उत्तरदायित्व दीजिए ही मत, उसके काम में बार बार दखल दीजिए, बार बार पूछिए, तो उसका उत्तरदायित्व का डिग्री उसी हिसाब से घट जाती है। पहले ज़माने में माँ बाप जो गुरुकुल पर भेजते थे तो उनको अपने गुरुओं में पूर्ण आस्था होती थी कि ये मेरे बच्चे को गढ़ के कुछ बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें इंटरफियर नहीं करते थे कि जैसे इनको गढ़ना है गढ़ने दो। तो उस गढ़ने में अंदर हाथ दे के बाहर चोट दी जाती थी तो आदमी घड़ा बनता था। अब हमने क्या कर लिया एज ए माँ बाप, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग होने के नाते हम लोगों ने वो जिम्मेदारी हल्की की खुद भी ओढ़ ली है, घर में भी ओढ़ ली है, स्कूल में भी ओढ़ ली है। तो नतीजा ये है कि जब सामने वाले को पूर्ण उत्तरदायित्व आप दोगे नहीं तो वो उससे उतना बढ़िया अटैच्ड क्यों फील करेगा। और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है, गुरुओं के अंदर वो भाव जो है गिरा है, तो उनको भी लगता है कि जैसे ये ड्यूटी कर रहे हैं हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ट्रू सेंस में अगर आप देखेंगे तो परिवार में जो संस्कार हम देते थे तो परिवार की इकाई का निर्माण होता था, और गुरुकुलों में जो संस्कार दिए जाते थे वो समाज और राष्ट्र बनाते थे। हमने तीनों जगह इन भावों को हल्का हल्का गिरा दिया है, तो उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पर आ चुके हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव क्या लगता है कि आजकल के बच्चों पर पड़ा है? अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चे को माँ ने, आपने भी शायद देखा हो, माँ ने जो है डांटा और बच्चे ने जो है थोड़ी देर बाद उस वहाँ बल्ला रखा हुआ था और उससे अपने माँ के सर पे मार दिया, मोबाइल देखने से माँ ने मना कर दिया था। ये जो मोबाइल है ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है, जो हम लोग आप भी शायद लिखे हों, एक जो आता था लिखने के लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, खूब लिखा है। तो आप इस तरह, ये जो मोबाइल ये भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है और पढ़ाई वगैरह इससे काफ़ी आसान हो भी गई है, क्या मानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग बच्चे कर सकते हैं, माँ बाप की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, कोई भी टेक्निक है उसके यूज़ करने पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे जिस विज्ञान को आदमी सृजन का मान सकता है वही विध्वंस भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वही सेम चीज़ है कि उसके प्रति उत्तरदायित्व, तो कि जो हमारी समझ है उसको हमने कितना डेवलप किया। अब जैसे मान लीजिए तलवार किसी को दी जाए अगर, तो एक आदमी रक्षा भी करता है, एक आदमी विध्वंस भी करता है। तो टेक्नोलॉजी में जब यूज़ करें बच्चे, तो ये माँ बाप की एक बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यूज़ करने की जो एथिक्स है वो भी ज़रूर सिखाई जाए। आप कभी भी गौर करिएगा, भारत में युद्ध भी जब होते थे तो एथिक्स के साथ होते थे, नियमों में बंध के भी हमने वो काम किया। तो उसमें जैसे, चूँकि युद्ध एक ऐसी क्षेत्र मानी जाती है जिसमें टेक्नोलॉजी अपने चरम पर यूज होती है, तो अगर उसमें भी नैतिकता के नियम में बांध दिया जाए तो वहाँ भी गलत होने की संभावना घट जाती है। तो डे टू डे के प्रयोग में अगर टेक्नोलॉजी में यही दायित्व का बच्चों को बोध अगर करा दिया जाए तो आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी वरदान हो जाएगी। हम अगर उनको मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल में उनको हम दिखाएं कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे अखबार है, अखबार एक समाज का दर्पण होता है, लेकिन हर आदमी का फोकस होता है अलग अलग, क्योंकि समाज जब बनेगा तो डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों से मिलके बनेगा। तो जब पेपर में दर्पण जब निकलता है तो हर आदमी की पसंद की चीज़ उसमें दी जाती है, हर आदमी अपनी पसंद की चीज़ पढ़ता है, दूसरी छोड़ता है। ठीक इसी तरीके से ये मोबाइल है, इसमें हर चीज़ सबकी पसंद के डाले गए हैं। तो आप अगर विद्यार्थी हो तो आपकी पसंद क्या होनी चाहिए ये बताना बहुत आवश्यक है। जब हम बता देंगे तो यही मोबाइल उसके लिए वरदान है, अगर नहीं बताएंगे वो एक्सप्लोर उन चीज़ों को करे जो उससे मतलब नहीं रखती है, तो ये अभिशाप हो जाएगा। हमारे मित्र हिमांशु जी हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, भी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक बात आई कि एक बच्चे का 7 नंबर 12 नंबर और साइंस पढ़ने में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 7, 8, 12, 15 इस तरह के नंबर है, इसके बाद भी उनके जो अभिभावक हैं वो कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे हैं जबकि उसके कॉमर्स में अच्छे नंबर हैं, तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया दिखाइए। मेन चीज़ है कि कभी कभी उन्होंने जो दुनिया देखी है जिन छिद्रों से, आज भी वही छिद्रों से वो दुनिया देख रहे हैं, देखने के एंगल बदल गए हैं। अगर उन एंगलों से माँ बाप को भी परिचय करा दिया जाए कि वर्ल्ड में और भी स्ट्रीम्स हैं, जिन स्ट्रीम्स में अगर आप एपेक्स पर बैठे हो तो आप बेहतरीन काम करोगे। मेरा ये मानना है
कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी एक्सपोज़र अगर कराया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि बच्चों के लिए अच्छा सोच पाना उनके लिए आसान हो जाए। सर, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। निश्चित तौर पर बच्चों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा ये वीडियो देखकर, और वो अपने ब्रेन को डाइवर्सिफाइड कर पाएंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। केवल सरकारी नौकरी ही जगह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू वेरी मच आलोक जी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अखंड प्रताप सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई। आपको भी इनकी बातें निश्चित तौर पर समझ में आई होंगी, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा विषय है। शिक्षा का वर्तमान जो आधार, जो उद्देश्य है, वो है रोजगार प्राप्त करना। तो रोजगार क्रिएट करने, रोजगार डेवलप करने और रोजगार प्राप्त करने, तीनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये तीनों प्रक्रियाएं आपके काम आ सकती हैं। पर्यटन, स्पोर्ट्स, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो भी, ये तमाम सारी चीज़ें जो है रोजगार के रूप में है। स्वरोजगार भी सबसे महत्वपूर्ण है, ज़्यादा उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश और भारत को प्रगति के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। पैनिक बिल्कुल ना करें, दबाव में बिल्कुल ना आए। जो आपका मेन जोन है, जो आपकी ताकत है, उस पर फोकस रखें, यही अखंड प्रताप जी का कहना है और इसी पर आपको ध्यान भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।